ओम शांति। ये है तुम्हारा धर्म उजन। चरा सीजनम तो ठीक है। ये है धर्माऊ कल्याणकारी जन। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसीलिए ये कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग का जन्म है। जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तब से कल्याण होना शुरू हो जाता है। अकल्याण बच्चे अपना स्वयं कर देते हैं अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, वरना एक सेकंड भी ऐसा नहीं जा सकता कि हमारा कल्याण ना हो। कहते ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन कब? संगम युग पर। संगम युग पर उन बच्चों के लिए ड्रामा कल्याणकारी है जो श्रीमद पर चलते हैं। सबके लिए कहां कल्याणकारी है? जब बाप आए तो कल्याणकारी कहा जाए ना, समझे? कहीं सोचते हैं द्वापर से कलयुग आया, कलयुग कल्याण थोड़ा है, ऊपर से नीचे ही गिरे, लॉस ही हुआ है ना। कल्याण कब है? जब बाप आया, बाप ने समझाया और तब से हमारा कल्याण होना, चढ़ती कला होनी शुरू हो गई, तो हो गया कल्याणकारी। तो ड्रामा कल्याणकारी उनके लिए जो बाप की श्रीमत पर चलते, बाप का कहना मानते और अपने जीवन का परिवर्तन करते, तो उनको हर घड़ी अनुभव होगा कि मेरे लिए तो ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याणकारी बाप उनके साथ है। शिव का आरती क्या है? सदा कल्याणकारी। तो बाप आए तो कल्याण हो ना। अब बाप आया है तो कल्याण हो रहा है, तो ड्रामा क्या हो गया? कल्याणकारी। इसे कई पूछते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है तो ऐसे किसी ने शरीर छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा? वो उसके शरीर का अपना हिसाब किताब। कल्याणकारी का अर्थ क्या है? कि आत्मा का कल्याण होना। शरीर का तो देखो हिसाब किताब है, ये कभी कितने वर्ष कोई रहेगा, कितने वर्ष, हिसाब किताब है ना। जितना पुराने के साथ खाता उतना पुराना, फिर आगे के साथ खाता उतना आगे बढ़ेगा। लेकिन कल्याण कब से शुरू होता है? जब बाप आता है, कल्याण करने का रास्ता बताता है और उसकी डायरेक्शन पर हम चलते हैं, श्रीमत का पालन करते हैं, तो ही कल्याण होता है। कई बार कोई व्यर्थ भी कर रहे होते हैं तो कहते हैं अरे ड्रामा तो कल्याणकारी है ना, तो कल्याण ही होगा इसमें। नहीं, श्रीमद का पालन करने वालों के लिए ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि शिव सदा कल्याणकारी। तो समझ में आना चाहिए। तो अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसीलिए एक कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग का जन्म। ओम शांति।